पूरा देखना, क्योंकि असली मजा देना लास्ट में आएगा तुमको। मुनीम जी, दुकान पे जाकर मेरे लिए 40 नंबर रूपा चड्डी लेकर आओ, पुरानी वाली एक्सपायर हो गई है। जी हाँ मालिक। कुछ भी कल पड़ोसी की शादी में जाना, मेरी फेयर लली खत्म हो गई। मैं जा रहा हूँ काम पे। साले बिना फेयर लली के घर आए तो मार मार के भूत बना दूंगी। रुको जरा, मुझको रात को एक सपना आया कि हम फॉर्चुनर लेके शादी में जा रहे थे। ओ बड़े भैया, इसको फेयर लली चाहिए, 100 रुपया देना। दिमाग खराब है क्या रे साले, स्प्लेंडर में तेल भरने के पैसे नहीं, फेयर लली चाहिए। साले कुत्तों की जिंदगी। देख मैं 9 मिस रुपया लेने की फिराक में हूँ। नो नो, और मेरे पास पहले ही 100 रुपये है। ओह नो, और वो भी मैं तुझको नई फेयर लली के लिए दे दूंगा। तो मैं शादी में क्या पहनूंगा? तौलिया लपेट लेना। मैं पिछाड़े में टुवाल लपेट के जाऊंगा। तो लोग हंसेंगे हम पर, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। अरे मैं तो भूल गया था, 1 मिनट रुका, भी व्यवस्था करता हूँ। मुनीम जी। जी मालिक। जा बाथरूम में जा और अपनी धूमत्री खोल के पिछवाड़े में थैली लपेट ले और अपनी धूमत्री मुझको ला कर दे दे। जी अभी लाया। अरे टेंशन मत लो बाऊ, पैसा बच गया, फूल फेर लल्ली रगड़ेंगे। क्या रे, तेरे बाथरूम में इतने सारे लव लेटर मिले भाई। लक्ष्मी जी, स्कॉर्पियो की चाबी और ये लव लेटर बहू को दे दो। नो 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 नो। आज से तुम इस घर की बॉस हो। तुम जहाँ कहोगी, किस कागज पर कहोगी, हम तीनों भाई चुपचाप आंख बंद करके उसमें मुंह देंगे। बस एक ही विनती है बहू, मुझको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करने का ख्याल अपने मन में कभी आने मत देना। घबराने की कोई बात नहीं, ये बाप बनने वाली है। Oh no!